Now question number 8. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. क्या बोल रहे हैं? एक AP है जिसमें 50 term है. कितनी? 50 terms है. Of which, जिसमें से जो third term है वो 12 है. मीन जो third term है उसकी value कितनी है? 12 है. और जो last term है उसकी value कितनी है? 106. तो बताओ 29th term की value क्या है? ठीक है. तो आपको बता रखा है टोटल जो AP है उसमें कितनी terms है? 50. मतलब N आपको दे रखा है 50. थर्ड टर्म आपको बताइए उसकी वैल्यू क्या है और लास्ट टर्म बताइए उसकी वैल्यू क्या है. आपको निकालनी है 29 टर्म क्या है. ठीक है, ऐसे समझ लो जैसे आपको बता दिया मैंने अभी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से थर्ड रोल नंबर का नेम क्या है 12 और जो लास्ट रोल नंबर उसका नेम क्या है 106. अब मुझे बताओ जो रोल नंबर 29 है उसका नेम क्या है. ठीक है, एंड हमें गिवन था 50, थर्ड टर्म हमें दे रखा उसकी वैल्यू, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 12 और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में टोटल 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म क्या होगी 50, तो टी 50 कितने हो गई 106. ठीक है, अब थर्ड टर्म है तो इसको अगर थर्ड टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस टू डी से, या थ्री है जहाँ पे ए कम, तो ए प्लस टू डी इक्वल टू 12, ये होगा इक्वेशन वन. वैसे टी 50 तो ये क्या होगा ए प्लस, या 50 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49, तो ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106, ये होगा इक्वेशन टू. सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू साइमल्टेनियसली, तो सारे साइन चेंज, माइनस ए प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस, ए से ए कैंसिल, 49 में से 2 जाएगा कि कितना बचेगा माइनस का 47 डी, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या 49, उसके आगे नीचे साइंस का साइन क्या है माइनस का. वैसे 100 माइनस के 106 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 94. डी ऐसे 47 से डिवाइड करोगे 94 कितना आएगा 2. ठीक है, डी 2 आ गया आपका. अब इस डी की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में, सो पुट डी इक्वल टू 2 इन 1. सो ए प्लस टू डी इक्वल टू 12 था, तो ए 2 और डी कितना आया 2, तो डी के बदले 2 इक्वल टू 12, तो ए ये कितना हो गया 4, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ए इक्वल टू 12 माइनस 4. ठीक है, 12 माइनस 4 कितना देगा 8, तो ए कितना आ गया 8. तो फर्स्ट टर्म हम पे आ गई इस ए पी की और कॉमन डिफरेंस आ गया. ठीक है, अब हमें कौन सी निकालनी है 29 टर्म, तो 29 टर्म हमें पता कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, ए प्लस 28 डी, यहाँ 29 तो यहाँ पे एक कम, तो ए प्लस 28 डी इक्वल टू, ए हमें पता है 8 है, प्लस 28 इंटू डी, डी हमें पता है 2 है, तो 8 और 28 इंटू 2 56, तो 56 प्लस 8 इक्वल टू 64, सो द 29 टर्म इज 64 है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ ए पी आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, व्हिच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0. क्या बोल रहे हैं, अगर किसी ए पी की थर्ड टर्म और 9th टर्म 4 और माइनस 8 है, तो बताओ क्या उस एपी में कोई ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू क्या आएगी 0. जैसे थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है, वैसे 9 टर्म की वैल्यू माइनस 8 है, तो ऐसी कौन सी टर्म होगी वो जिस उस एपी की जिसकी वैल्यू 0 आएगी. ठीक है, तो हमें देखा थर्ड टर्म कितना है 4 और 9 टर्म इक्वल टू माइनस 8. थर्ड टर्म रिप्रेजेंट कैसे होगी, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 4 और 9 टर्म रिप्रेजेंट होगी ए प्लस 8 डी इक्वल टू माइनस 8. ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2. सॉल्व करा, साइन चेंज, ए से ए कैंसिल, माइनस 8 डी में से प्लस का 2 डी जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6 डी. ठीक है, ये माइनस था से प्लस हो जाएगा, प्लस 8 और प्लस 4 कितना देगा आपको 12, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 2 तो कितना आ जाएगा डी इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, अब इस डी की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में, सो पुट डी इक्वल टू माइनस 2 इन 1, तो ए प्लस 2 डी इक्वल टू 4, ए प्लस 2 और डी के बदले माइनस 2 इक्वल टू 4, ये ऐसे ही, ये हो जाएगा माइनस का 4, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, तो ए कितना आ गया आपका 8, तो फर्स्ट टर्म आ गई और कॉमन डिफरेंस आ गया. अब हमें बताना है कि कौन सी इस ए पी की टर्म 0 की, हमने मान लिया कि वो टर्म कौन सी है टी एन, सो लेट टी एन बी द टर्म हुज वैल्यू इज 0, सो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. टी एन कितना माना हमने 0, तो यहाँ पर रख देंगे हम 0 इक्वल टू ए, हमारा कितना आया 8 एन माइनस 1 ऐसी, और डी कितना है हमारा माइनस 2. ठीक है, ये प्लस का 8 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 8, ये माइनस का 2 है और माइनस माइनस प्लस का 2. ठीक है, अब ये प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस का, इधर बचेगा माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, तो माइनस 10 इक्वल टू माइनस 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 5, 10 कैंसिल कितना आ गया 5. सो देयरफॉर द फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी 0, तो उस ए पी की वो फिफ्थ टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है 0. क्वेश्चन नंबर 10,
If 17 term of AP exceed its 10 term by 7, find its common difference. क्या बोल रहे, किसी AP की जो 17 term है, ये 17 roll number है, वो roll number 10 से, ये ऐसे समझो, जो roll number 17 है, उसके marks roll number 10 से 7 ज़्यादा हैं, ठीक है? तो हमें निकालना है find the common difference. Common difference हर roll number के कितने का common difference है marks का. तो दे रखा होने की जो 17 term है, वो 10 टर्म से कितना ज़्यादा है, 7. एक्सीड मीन्स ज़्यादा, तो इसलिए प्लस कर, ठीक है? लेस बोलते थे हम, क्या करते हैं माइनस. अब 17 टर्म कैसे रिप्रेजेंट होती है, ए प्लस 16, यहाँ 17 तो एक कम, इक्वल टू 10 टर्म कैसे रिप्रेजेंट होगी, यहाँ 10 तो एक कम, तो ए प्लस 90 प्लस 7. इस ए से ए कैंसिल, 16 डी वाली टर्म एक साथ, तो 16 और ये 90 रख के करेगा माइनस का, तो माइनस 90 इक्वल टू 7. 16 में से 90 बचेगा, बचेगा आपका 70, इधर भी 7, तो 7 से 7 कैंसिल, डी कितना आ गया 1. सो कॉमन डिफरेंस इस एपी का क्या था, 1. नाउ क्वेश्चन 11, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 29 दैट इज विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म. क्या बोल रहे, इस एपी की कौन सी टर्म क्या क्या होगी 132 ज़्यादा होगी किससे, 54 टर्म से. इस ए पी की कोई ऐसी टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है? अब वो टर्म हमें निकालनी है, ठीक है? तो ए पी में दे रखी 3, 15, 27, 29 तो ए हमारा क्या हो गया 3 फर्स्ट टर्म, डी क्या होगा a2 - a1, तो 15 - 3 कितना आ गया 12, ठीक है? अब मैंने मान लिया लेट द टर्म बी टी एन विच इज 132 मोर देन दिस 54 टर्म, ठीक है? मैंने मान लिया वो टी एन टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है? तो ये टर्म है टी एन जो टर्म 54 से कितना ज़्यादा है 132, ठीक है? अब टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है, टर्म निकालने का, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू टी 54, या 54 हो तो यहाँ पे आएगा ए प्लस 53 डी प्लस 132, ठीक है? ए से ए कैंसिल, एन माइनस वन इंटू डी हमें पता है कितना 12 इक्वल टू 53 ऐसे, और डी हमें पता है 12 प्लस 132, ठीक है? 12 इंटू एन 12 एन, और 12 इंटू माइनस वन 12 माइनस 12, ठीक है? इक्वल टू 53 प्लस इंटू 12 कितना देगा वो 636 प्लस 132, ये ऐड करके आ जाएगा आपका 768, और ये माइनस का 12 रखे क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है? तो यहाँ पे 12 एन बचा, तो और 768 प्लस 12 देगा आपको 780, और जो एन के साथ 12 था ये इसके नीचे आ जाएगा, 12 से डिवाइड करोगे और 780 को कितना आएगा 65, ठीक है? सो देयरफॉर 65th टर्म वाज 132 मोर देन इज 54 टर्म. तो वो 65th टर्म थी जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा थी, ठीक है? समझ लो, वो रोल नंबर 65 था जिसके मार्क्स रोल नंबर 54 से 132 ज़्यादा थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, टू ए पीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. क्या बोले, दो ए पीज हैं, ठीक है, और उन दोनों का, दोनों ए पी का कॉमन डिफरेंस क्या सेम है. अगर पहली ए पी का डिफरेंस डी आ रहा है, तो दूसरे ए पी का भी डिफरेंस क्या आ रहा है, डी, ठीक है? अब उन्हें बोला है कि इन दोनों ए पी का डिफरेंस है, हाँ, द कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, और इन दोनों ए पी के जो 100 टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 100, मीन्स इस ए पी की जो 100 टर्म है और जो सेकंड ए पी की 100 टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है, ठीक है? हमें बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. अब बताना उसी ए पी की, पहली ए पी की 1000 टर्म और दूसरी ए पी की 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा. तो फॉर फर्स्ट ए पी, पहले ए पी के लिए टी 100 इक्वल टू ए प्लस, हमने पहले जो पहली ए पी उसके लिए हमने फर्स्ट टर्म क्या मान ली, ए वन प्लस 100 माइनस 1 डी. किसकी बात कर रहे हैं, उन्हें बोला है कि 100 टर्म. तो पहली ए पी की 100 टर्म कैसे होंगी, टी 100 इक्वल टू ए वन प्लस 100 माइनस 1 डी. तो टी 100 कितना आ गया, ए वन प्लस 99 डी, ये बन गया इक्वेशन 1. ऐसी पहले, अब ऐसी पहले वाली ए पी के लिए हम उसकी 1000 टर्म भी निकाल देंगे, तो टी 1000 कितना हो जाएगा, ए वन प्लस एन माइनस 1 होता है इंटू डी, तो एन कितना है पे 1000, तो 1000 माइनस 1 डी, तो 1000 माइनस 1 कितना आएगा 999 डी. तो पहली ए पी की 100 टर्म भी निकल गई, ए वन प्लस 99 डी,
अब पहले एपी की 1000 टर्म में निकल गई ए वन प्लस 999 डी, ये मान लिया हमने 2। अब आते हैं हम सेकेंड एपी में। सेकेंड एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम नोट कर रहे हैं ए टू से, ठीक है। तो उस एपी की सेकेंड एपी की जो 100 टर्म होगी वो किससे नोट होगी, ए टू प्लस 100 माइनस 1 डी। तो 100 क्या हो जाएगा, ए टू प्लस 99 डी, इसे मान लिया क्वेश्चन थर्ड। अब सेकेंड एपी की हम क्या निकालेंगे, 1000 टर्म। तो 1000 टर्म क्या होगी सेकेंड एपी की, 30000 इक्वल टू ए टू प्लस 1000 माइनस 1 डी। तो सेकेंड एपी की 1000 टर्म कितने आ गए, ए टू प्लस 999 डी, ये मान लिया क्वेश्चन फोर, ठीक है। अब 1 माइनस 3 हमें दे रखा है, हमें बता रखा था कि जो पहली एपी की 100 टर्म है और जो सेकेंड एपी की 100 टर्म है उनका डिफरेंस कितना है, 100, ठीक है। तो 1 माइनस 3, तो पहली एपी की 100 टर्म और सेकेंड एपी की 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100। तो ए वन प्लस 99 डी माइनस, यहाँ पे क्या अंदर ब्रैकेट में आना था लेकिन अंदर प्लस था, लेकिन जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस ए टू माइनस 99 डी इक्वल टू 100, ये हमें गिवन था। फर्स्ट एपी की 100 टर्म और सेकेंड एपी की 100 टर्म का डिफरेंस कितना था, 100। तो 99 डी से ये 99 डी कैंसिल, यहाँ बचा ए वन माइनस ए टू इक्वल टू 100, ठीक है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। अब हमें जो निकालना है उन्हीं दो एपी की 1000 टर्म का डिफरेंस। तो नाउ फर्स्ट एपी की 1000 टर्म क्या है, ए वन प्लस 999 डी, फिर और माइनस सेकेंड एपी की 1000 टर्म क्या है, ए टू माइनस 999 डी, ठीक है। डिफरेंस पहली एपी की 1000 टर्म का, पहले एपी की 1000 टर्म दूसरी एपी की 1000 टर्म का डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 999 डी से ये 999 डी कैंसिल, यहाँ बचा ए वन माइनस ए टू, ठीक है। ए वन माइनस ए टू इक्वल टू 100 आ गया फ्रॉम ए, कैसे, यहाँ पे ए वन माइनस ए टू की वैल्यू कितनी थी, 100। तो बस इस ए की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, हमें क्यों पता ए वन माइनस ए टू हमें दे रखा है इक्वेशन 1 में कितना, 100। तो ए वन माइनस ए टू की वैल्यू कितनी आ गई, 100 फ्रॉम ए। सो जो उनकी 100 टर्म का डिफरेंस है और जो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस, वो भी क्या आएगा, सेम, ठीक है। नाउ हाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब वो बोल रहे कितने 3-डिजिट नंबर डिविजिबल होंगे 7 से, 3-डिजिट नंबर, ठीक है। 3-डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से, लेकिन वो नंबर जो 7 से डिवाइड होंगे, और लास्ट 3-डिजिट नंबर क्या आता है आपका, 999, ठीक है। तो पहला जो 3-डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो आपका 105, सेकेंड 3-डिजिट नंबर 7 से डिवाइड होता है वो आपका 1112, थर्ड 119, ऐसे लास्ट जो 3-डिजिट नंबर डिवाइड होता है 7 से वो आपका 994, ठीक है। तो हमें एन निकालने हैं ऐसे कितने नंबर, ये तो दिख रहे 3 और 1 4, इसके बीच में और ऐसे नंबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स निकालने विच आर डिविजिबल बाय 7। सो एन इज अननोन, फर्स्ट टर्म हमारी 105 है, कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन, तो डी इक्वल टू 112 माइनस 105 कितना आ गया, डी 7, ठीक है। अभी टी एन मैंने मान लिया, लेट टी एन इक्वल टू 994, ठीक है। जो भी टी एन मान के मान लिया 994, ठीक है। जो लास्ट टर्म दे रखी है हम इसको मान लिया टी एन, ठीक है। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, टी एन हमने कितना माना हुआ 994 इक्वल टू ए कितना है 105 प्लस एन हमें पता नहीं है, तो एन माइनस 1 ऐसी, डी हमें पता है 7। अभी 100 105 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, फिर ये 7 मल्टीप्लाई होगा तो एन से 7n, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा 7 तो माइनस का 7, ये दे देगा आपको 889, फिर ये माइनस 7 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 889 प्लस 7 आपको देगा 896 इक्वल टू 7n, एन ऐसी 7 जाएगा 896 के नीचे, डिवाइड करो तो कितना आएगा 128। सो देर आर 128 नंबर्स, देर आर 128 थ्री डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। ऐसे 128 नंबर हैं थ्री डिजिट वाले जो 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, क्या बोल रहे हैं कि कितने मल्टीपल 4 के 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो इन 10 और 250 के जो भी बीच उनके बीच में आ रहे होंगे वो बताना है आपको, ठीक है। तो उसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा और 250 नहीं। सो 10 और 250 इसके बीच में जो मल्टीपल्स हैं 4 के वो क्या क्या हैं, जो पहला मल्टीपल है वो है 12, 10 के बाद सीधा जो
पहला मल्टीपल आता है 4 12 4 का, वो है 12, फिर आता है 16 20 24 28, और ऐसे लास्ट है आपका 240। तो 10 और 250 के बीच में मल्टीपल हैं वो 12 16 20 24 और 240, और बीच में हो रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारी एपी बनेगी वो 12 से लेके 240 के बीच, ये है हमारी 12 से और 240 वाली। ठीक है, इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा ना 250। ठीक है, सो हमारी एपी क्या है, 12 16 20 240। तो फर्स्ट टर्म हमारी 12 है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, a2 - a1, तो 16 - 12 = 4। एंड हमें पता ही नहीं, हमें बताने कितने मल्टीपल, जैसे यहाँ तो लिख रहा है 3 और 1 4, अब बीच में और होंगे, अब तो हमें बताने टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हैं 4 के। ठीक है, हमने अब ये क्या, लास्ट टाइम हमने मान लिया कि लेट tn = 248। अब इसमें कितने टर्म है, इसमें कितनी नंबर्स हमने मान लिया tn। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी 248, तो हमने tn किसको मान लिया 248 को, मीन्स समझ लो tn टर्म है जो जिसकी वैल्यू क्या है 248। ठीक है, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn = a + n - 1d। tn के बदले क्या रखेंगे हम 248, a हमारा क्या है 12 + n - 1 ऐसी, और d के बदले 4। ठीक है, ये 12 जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4 n - 4n - 4 n - 1 - 4, इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 236। ये माइनस का 4 जाके क्या हो जाएगा प्लस का = 4n, ये आपका क्या n = 240/4, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 60। सो 60 मल्टीपल्स आर बिटवीन 10 एंड 240। सो आपके 60 मल्टीपल्स हैं, ऐसे 60 मल्टीपल्स हैं 4 के जो 10 से 250 के बीच में लाया करते हैं। जैसे 12 एक हो गया, फिर 16 सेकंड हो गया, 20 थर्ड हो गया, फिर 24 फोर्थ हो गया, ऐसे ऐसे करके टोटल नंबर कितने हैं मल्टीपल्स का 60। ठीक है, तो ऐसे 60 मल्टीपल्स हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर दी nth टर्म ऑफ टू ए पीज 63, 65, 67 and 3, 10, 17 आर इक्वल। क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कौन सी वैल्यू होगी एन की जिसके लिए ये दो ए पी इक्वल होगी। ठीक है, कौन सी nth टर्म होगी इस ए पी की भी और इस ए पी की, जिसमें उन दोनों nth टर्म की वैल्यू क्या आएगी सेम। समझ से क्लास 7th है क्लास 8th, तो कौन से रोल नंबर है वो क्लास 7th का और वो कौन सा रोल नंबर है क्लास 8th का, जिनकी परसेंटेज सेम होगी। समझ लीजिए क्लास 7 का रोल नंबर आ गया 10, तो वैसे ही वो रोल नंबर क्लास 8th का क्या होगा 19। समझ लो, तो रोल नंबर ऐसा है कि रोल नंबर 7, क्लास 7 का रोल नंबर 10 और क्लास रोल 8 का रोल नंबर 19, इनके परसेंटेज क्या है सेम। तो हमें वो बताना है रोल नंबर क्या है, कौन सा रोल नंबर है वो उन दोनों क्लास का जिसके वो जिसमें वो मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या है सेम है दोनों स्टूडेंट की। ठीक है, तो हमने पहले एपी ले ली, ये पहली एपी हमारी क्या 63, 65, 67, तो इसमें ए हमारा क्या 63, डी हमारा क्या होगा a2 - a1, तो 65 - 63 कितना दिया 2। ठीक है, तो tn क्या होगा = a + n - 1d, ए कितना है 63 + n - 1 ऐसे, डी के बदले 2, 63 2 n - 2n - 2, ये हो जाएगा आपका 61 + 2n, इसको मान लिया मैंने क्वेश्चन 1, सो tn = 61 + 2n। अब निकालेंगे हम सेकेंड एपी के लिए 3, 10, 17, इसका a फर्स्ट टर्म 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस a2 - a1, तो 10 - 3 = 7, सो tn क्या होगा a + n - 1d, a कितना है 3 n - 1 ऐसे, और d के बदले 7, तो 3 यहाँ पे आएगा 7 × n - 7n - 7 × 2 - 1 - 7। ठीक है, ये दे देगा आपको -4 + 7, ये हो गई क्वेश्चन 2। अब हमें बता रखा है कि इन दोनों की पहली ए पी और सेकेंड ए पी की जो एंड टर्म है वो क्या है इक्वल। इट इज़ गिवन दैट द एंड टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी एंड द सेकेंड ए पी इज इक्वल। अब बता रखा है जब फर्स्ट ए पी और सेकेंड ए पी की जो एंड टर्म है वो इक्वल है, तो मीन्स ये फर्स्ट ए पी की एंड टर्म है और ये सेकेंड ए पी की एन टर्म है, और ये गिवन है हमें कि दोनों ए पी की एन टर्म क्या इक्वल, तो मीन्स 1 = 2। तो पहली ए पी की एन टर्म क्या है 61 + 2n = किसके बराबर होगी, सेकेंड ए पी की एन टर्म, सेकेंड ए पी की एन टर्म क्या है -4 + 7n। ठीक है, ये -4 जाके प्लस का हो जाएगा, ये 2n में जाके माइनस का हो जाएगा, 61 + 4 = 65 = 7n - 2n, यहाँ देखा 5n और यहाँ पे 65, 5 से कैंसिल करोगे 65 कितना आएगा 13, तो एन कितना आ गया 13, सो देयरफॉर
थर्टीन टर्म ऑफ बोथ ए पीज आर इक्वल। अब बोल रहे हैं कि पहली ए पी की जो थर्टीन टर्म होगी और जो सेकेंड ए पी की थर्टीन टर्म होगी, उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। मीन्स अगर क्लास सेवन है उसका जो रोल नंबर, क्लास सेवन का रोल नंबर 13 और क्लास रोल नंबर 8 का रोल नंबर 13, इन दोनों की परसेंटेज क्या है, इक्वल। अगर क्लास रोल सेवन का रोल नंबर 13 की परसेंटेज 98 है, तो क्लास 8 का जो रोल नंबर 13 है उसकी परसेंटेज कितनी है, 98 है। ठीक है,